नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। कबूतर की पांच बातें बुद्धिमान लोग अपनी बेटियों को जरूर बताते हैं। हमारा आज का प्रसंग, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी आ जाती है और दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वो घर बहुत भाग्यशाली होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और जिसने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के संकट अपने आप कट जाते हैं। बेटी के आंगन में घूमने से माँ लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इस कहानी से आप जानेंगे कि जिस घर में बेटियाँ होती हैं, वो अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करते हैं और उनके द्वारा की गई परवरिश का उनकी बेटियों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो लोग अपनी पुत्री को या अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा खुली छूट देते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं और उनके कुछ गलत करने पर उनको रोकते टोकते नहीं, उनको सही गलत के बारे में नहीं समझाते, तो कई बार उनकी पुत्रियां बिगड़ जाती हैं। हमारी आज की कहानी इसी बारे में है। आज की इस प्यारी सी कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक रात के समय कबूतर कबूतरी बैठे हुए थे। तब कबूतरी ने कबूतर से कहा कि आज सर्दी बहुत पड़ रही है, आज की रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि हमारी रात निकल जाए। कबूतरी कहती है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमारी रात आराम से कट जाए। कबूतर उस कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक सेठ और उनकी पुत्री की है। इस कहानी के अंत में मैं तुम्हें ऐसी पांच बातें बताऊंगा जो कि हर माता पिता को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए और हर पिता को अपनी पुत्रियों को या बेटियों को इन पांच बातों की शिक्षा जरूर देनी चाहिए। कबूतर कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। जब उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया तो उनके घर में हंसी खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। सेठ अपनी पुत्री से बहुत लाड प्यार करता था। वो इतना ज्यादा प्यार करता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री को किसी भी चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसके मांगने से पहले ही वह सेठ उसके लिए वो चीज लाकर दे देता था। वो हर इच्छा का ध्यान रखता था। सेठ के लाड प्यार ने उसकी पुत्री को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया था कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। वो अपनी मनमर्जी करने लगी क्योंकि उसे हमेशा अपनी कही बात ही ठीक लगती थी। वो इतनी ज्यादा नकारा हो चुकी थी कि किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। रोज सुबह वो अपने बिस्तर से बहुत ही लेट उठती थी। अगर घर परिवार वाले कुछ कहते तो वह उन्हें तरह तरह की कई बातें सुना देती थी। दिन भर जवान लड़कों के साथ ही इधर उधर घूमा करती थी। रात को काफी देर से घर आया करती थी। वह इतनी ज्यादा नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी मुश्किल हो जाता है, बताना भी मुश्किल हो जाता है। सेठानी अपने पति से कहती है कि आपने इस लड़की को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। लेकिन सेठ अपनी पत्नी को ये कहकर चुप करवा देता है कि
अभी वह बच्ची है, बड़ी होकर सुधर जाएगी। दोस्तों, अपनी बेटियों से प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर जरूरत भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये सब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। दोस्तों, वो सेठ अपनी पुत्री के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी पुत्री की कमियां दिखाई ही नहीं देती थी, उसको सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वो ये भी भूल गया था कि एक दिन उसकी पुत्री को शादी करके दूसरे घर में जाना है। दोस्तों, जो बहन और बेटी होती है, वो कभी भी हमेशा के लिए अपने पिता के घर नहीं रहती। एक ना एक दिन उसे शादी करके दूसरे घर में जाना ही पड़ता है। लेकिन सेठ पुत्री के प्यार में ये सब भूल गया था। वो अपनी पुत्री से इतना प्यार करता था कि वो उसको कभी गलत होने पर भी नहीं डांटता था। यदि घर में कोई दूसरा भी उसको डांट दे तो सेठ उसके साथ लड़ाई कर लेता था। वह सेठ घर में सभी को पुत्री को डांटने के लिए मना करता था। वह यही कहता था कि बच्ची है, सुधर जाएगी। दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ये पता होता है कि उनकी पुत्री को बड़ी होने पर ससुराल जाना पड़ता है, दूसरे घर में जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती को माता पिता सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी सहन नहीं करते हैं। इसलिए अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार दो। कबूतर की इस कहानी को कबूतरी बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद कबूतर कहता है कि अब सेठ की बच्ची बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, और अब उसको दिन ब दिन एक ही चिंता सताए जा रही थी कि कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उसकी शादी करवाऊं। जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए अच्छा सा वर ढूंढकर उनकी शादी करें। ये सपना हर माता पिता का होता है कि वो अपनी पुत्री की अच्छे घर में शादी करें, उनकी पुत्री का घर अच्छे से बस जाए, ताकि वह जीवन भर सुख से रह सके। सेठ भी बेटी के विवाह की चिंता को लेकर बहुत दुखी रहने लगा। सेठ अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की तलाश करता। उसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और वह सेठ उस लड़के से अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। वह सेठ अच्छे अच्छे उपहार, धन दहेज देकर अपनी पुत्री को विदा करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो कुछ दिन बाद ही अपने पिता को फोन कर देती है और पिता से कहती है कि पिताजी, आप इसी समय मुझे लेने के लिए आ जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है, मैं इस नरक में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद वो सेठ बहुत दुखी होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बहुत अच्छा ढूंढा था, उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन पुत्री कह रही है कि मुझे नरक में डाल दिया है। इतने कम समय में ही ऐसी क्या आफत आ गई है, ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कह रही है। सेठ काफी चिंतित होता है और वह अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर हमारी बेटी के लक्षण ठीक नहीं होते हैं तो हमारी ही बेइज्जती होती है। अगर उसके संस्कार बिल्कुल सही होते हैं तो बेटी के ससुराल में बेटी के पिता को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, उसका आदर सम्मान किया जाता है। जब सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंचा तो उसको कोई भी मान सम्मान नहीं मिला, कोई भी उसको आदर देने को तैयार नहीं था। सेठ जब पुत्री के ससुराल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे अपनी समदन मिलती है, यानी उसकी पुत्री की सास मिलती है। अपनी समदन को वह राम राम कहता है, लेकिन वह उन्हें देखते ही मुंह फुला लेती है और कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद सेठ अपने समदी से मिलता है और उसे भी राम राम कहता है, नमस्कार करता है, लेकिन वह भी उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद सेठ उनके घर के दूसरे लोगों से मिलता है, लेकिन वह भी कोई जवाब नहीं देते।
बेटी के ससुराल में उसको कोई भी मान सम्मान नहीं दे रहा था। उसके बाद सेठ अपने दामाद से मिलता है। सेठ को देखकर उनका दामाद उनसे कहता है कि अपनी पुत्री को जहाँ से ले जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसने हमारे घर को नरक बना दिया है। इसको आप तुरंत हमारे घर से ले जाओ। आपने शादी में जो दहेज वगैरह दिया है, उसका बैठकर हिसाब कर लो। हमें उसकी जरूरत नहीं है। सेठ अपने दामाद की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी क्या बात हो गई? तब सेठ की पुत्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस नरक में नहीं रहना है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो आप इसी समय मुझे इस नरक से अपने साथ ले चलो। पुत्री की यह बात सुनते ही सेठ अपनी पुत्री को साथ लेकर उसके ससुराल से चला जाता है। लेकिन जाते हुए भी उसकी पुत्री के ससुराल वाले उस सेठ से ठीक से बात नहीं करते। वह सेठ अपनी पुत्री को लेकर वहां से अपने घर को रवाना हो जाता है। रास्ते में सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी सास कैसी है? तब सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, उसके बारे में तो पूछो ही मत। वह तो एकदम डायन है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है। वह हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, मुझे परेशान करती रहती है। ऐसी डायन का तो मेरे सामने नाम भी मत लो। उसके बाद सेठ कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुर कैसे हैं? सेठ की पुत्री फिर से कहती है कि उस दुष्ट आदमी का तो नाम भी मत लो, वह तो एकदम से राक्षस है। उसके बाद सेठ कहता है कि उसे छोड़ो, अब ये बताओ जो तुम्हारे जेठ जेठानी है, वह कैसे हैं? वह तो जल्लाद हैं, उनकी तो बात ही मत करो। हर दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। फिर सेठ ने पूछा, तुम्हारी ननंद का स्वभाव कैसा है? वह तो तुमसे प्रेम करती होगी। सेठ की पुत्री कहती है कि उस चुड़ैल का तो नाम भी मत लो पिताजी, वह तो उड़ कर के खाने वाली है, बहुत ही बेकार है। सेठ अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बोले कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पति कैसे हैं, हमारे दामाद कैसे हैं? वह तो तुमसे बेहद प्यार करते होंगे। सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी, वह तो जमदूत हैं, बहुत ही बुरे इंसान है, उसका तो नाम ही मत लो, उसने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया था। हर दिन वो मुझे मारता पीटता था, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता था। अपनी पुत्री की सारी बात सुनने के बाद आखिर में सेठ उससे पूछता है कि अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं, मोहल्ले वाले कैसे हैं? तब सेठ की पुत्री उससे कहती है कि पिताजी, मोहल्ले के बारे में भी मत पूछो, वह भी लुचे लफंगे बदमाश हैं, पूरा मोहल्ला ही खराब है। सेठ बहुत ही बुद्धिमान था, वह समझ गया था कि एक इंसान खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, दो इंसान गलत हो सकते हैं, और हो सकता है मेरी पुत्री के सारे घर वाले ही गलत हैं, लेकिन सारे पड़ोसी तो गलत नहीं हो सकते। इसलिए दोष मेरी अपनी बेटी में ही है, उसके ससुराल वालों में नहीं। वह सेठ इस बात को समझ जाता है कि ये सारा ही नतीजा मेरे लाड प्यार के कारण है। यदि मैं उसकी हर बात को बिना सोचे समझे नहीं मानता और मैं अपनी पुत्री को इतना ज्यादा लाड प्यार नहीं करता बल्कि उसे अच्छे संस्कार देता, तो आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। सेठ चुपचाप अपनी पुत्री को लेकर अपने घर आ जाता है। जब सेठ की पुत्री घर पहुंचती है तो उसे देखकर उसकी भाभी भी मुंह फुला लेती है। सेठ की पुत्री उन्हें देखकर सोचने लगती है कि मेरी भाभियों ने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? वह पहले तो हर रोज मुझसे बहुत प्रेम किया करती थी, मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें किया करती थी, मगर मुझे देखकर अपना मुंह फुला रही हैं।
तब वो उनसे जाकर पूछती है कि ऐसी क्या बात है, आपने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फुला लिया। तब वह कहती है कि मुंह नहीं फुलाए तो क्या करे, तुम्हारी शादी करके तुम्हें ससुराल भेजा था, लेकिन तुम फिर से हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गई हो, इसलिए आज के बाद तुम हमसे बात मत करना। ऐसा कहकर उसकी भाभी उसे फटकार देती है। भाभी की इतनी बात सुनने के बाद उसके साथ कोई बात नहीं करता, उसके पिता के सिवा उसके पिता ही उससे बात करते। सबसे वह धीरे धीरे बहुत दुखी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है, उसकी आंखें खुलने लगती हैं। काफी समय हो जाने के बाद भी उससे कोई बात नहीं करता। जब भी वो घर से बाहर जाती तो उसकी सहेलियां उससे यही पूछती कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, जीजा जी कहाँ हैं? कोई पड़ोसी मिलता तो वो भी इसी बात को पूछता कि तुम अकेली कैसे आ गई हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं? सबसे ऐसे ताने सुनकर वो बहुत दुखी रहने लगी। मंदिर जाती तो मंदिर में भी लोग इसी बात को पूछते, सभी मोहल्ले वाले भी यही बात करते कि सेठ की पुत्री अकेली आ गई है, नई नई शादी की थी, हो सकता है इनका तलाक होने वाला हो। पुत्री के साथ साथ सेठ को भी हर बार अपने दोस्तों में मोहल्ले वालों में यही बात सुन को मिलती, यही ताने सुनने को मिलते। ताने सुनते सुनते सेठ की पुत्री को समझ में आने लगा था कि इसमें मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती के कारण आज मेरे पिता का सिर भी झुक गया है। फिर भी वह अपने ससुराल में जाने के लिए तैयार नहीं थी, अपने पिता से फिर भी यही कहती कि पिताजी इससे अच्छा तो यही होता कि मैं कुंवारी रह जाती, यदि आप में शादी नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन सेठ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है। सेठ कमरे में जाकर अपनी पुत्री को देखता है तो वो उसे बहुत ही चिंतित और परेशान दिखाई देती है। सेठ उसे दुखी देखकर पूछता है कि बेटी आज तुम मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। तब सेठ की पुत्री ने कहा कि हाँ पिताजी मैं बहुत दुखी हूँ, यदि आपने मेरी शादी नहीं की होती तो मैं बहुत सुखी होती, लेकिन मेरी शादी करवा कर आपने मुझे दुखों के सागर में धकेल दिया है। अब मैं क्या करूं? मेरे ससुराल वाले सभी बहुत बुरे हैं, वह घर नरक के समान है, वहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं? और मेरे जो मायके वाले हैं उनमें से कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता, आपके सिवाय इस घर में भी सभी मुझसे नफरत करने लग पड़े हैं। अब आप ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं? तब सेठ अपनी बेटी से कहता है कि बेटी हमारे नगर में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा आए हैं, तुम्हारी समस्या को लेकर मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे इस समस्या का एक उपाय बताया है, यदि तुम इस उपाय को करती हो तो कुछ ही समय में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और वह सभी तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। पिता की इतनी बात सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है कि पिताजी वह उपाय मुझे जल्दी से बताइए, मैं उस उपाय को जरूर करूंगी। तब सेठ अपनी पुत्री को वह उपाय बताता है कि तुम्हें 6 महीने तक एक मंत्र का जाप करते हुए साधना करनी है, यदि तुम इस उपाय ध्यान लगाकर करती हो, मन लगाकर करती हो तो 6 महीने में ही तुम्हारे सारे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और वह तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे, तुम उस घर की मालकिन बनकर रहोगी, तुम उस घर में रानी बनकर रहोगी। उसके बाद पुत्री सेठ से कहती है कि पिता जी ये तंत्र मंत्र वाला काम मुझसे नहीं होता, कोई सरल और सीधा रास्ता मुझे बताइए। उसके बाद सेठ फिर कहता है ठीक है बेटी, यदि तुम मंत्र का जाप नहीं कर सकती तो मंत्र का जाप तुम्हारे लिए मैं करूँगा, तुम सिर्फ साधना कर लेना। तब पुत्री पूछती है कि साधना कैसे की जाती है।
सेठ अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें 6 महीने तक मौन रहना है। ससुराल में तुमसे कोई भी कुछ भी कहे, तुमने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। हर इंसान की बात को सुनना है और बड़ों के पैर छूना है, यही साधना होती है। पिता की बात सुनकर पुत्री कहती है कि मात्र 6 महीने में हो जाएगा ना, इससे ज्यादा ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। सेठ उससे कहता है कि हाँ, बिल्कुल 6 महीने में हो जाएगा। उसके बाद सेठ फिर से अपनी पुत्री को लेकर उसके ससुराल जाता है। जैसे ही सेठ पुत्री के ससुराल में पहुंचता है, तब सामने उसे अपनी कुत्री की सास बैठी हुई नजर आती है। वो उसे गुस्से में कहती है कि जब तुम पहले आए थे तभी मना कर दिया था कि तुम्हारी पुत्री की हमें जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सेठ की लड़की बहुत गुस्सा करती है, लेकिन सेठ अपनी बेटी को इशारे में कहता है कि तुम्हें साधना करनी है, अपनी साधना का ध्यान रखो। 6 महीने तक तुम्हें मौन रहना है, जो भी तुमसे कुछ कहे उसकी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पुत्री के पिता को हमेशा सिर झुकाकर रहना पड़ता है, इसलिए वह सिर झुकाकर उसकी सास की सारी बात को सुनता है और उनसे कहता है कि गलती हर इंसान से होती है, इससे भी गलती हुई है, इसलिए गलती सुधारने के लिए इसे एक मौका जरूर दिया जाए। अब जे सुधर गई है, अब फिर से ऐसा कुछ नहीं करेगी। काफी देर तक विनती करने के बाद उस लड़की की सास मान जाती है और कहती है कि यदि यह वाकई सुधर गई है तो 6 महीने तक इसके आदर भाव देखूंगी, उसके बाद इसको वापस भेज दूंगी और इसे हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं अपनाएंगे। सेठ सिर झुकाकर स्वीकार करता है कि ठीक है, आप 6 महीने तक इसे अपने घर में रखिए, ये बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई है, बिल्कुल सुधर गई है। इसके बाद वह अपनी पुत्री को उसके ससुराल में छोड़कर आ जाता है। सेठ की पुत्री अपने ससुराल में रहने लग जाती है और जाकर अपने सास के पैर छूती है। उसे देखकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित होती है कि कुछ दिन पहले तो ये सब पर बहुत गुस्सा करती थी, किसी की एक नहीं सुनती थी, हम पर हुक्म चलाती थी, बैठी बैठी खाती थी, लेकिन आज यह मेरे पांव कैसे पड़ रही है। वह उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। सेठ की पुत्री कहती है कि माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप आशीर्वाद देंगी तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। फिर उसकी सास उसको आशीर्वाद देती है कि खुश रहो, और वह उस घर में रहने लगी। एक दिन की बात है कि अपने ससुर के लिए वह चाय बनाकर ले जा रही थी। ससुर को वह जैसे ही चाय पकड़ाने लगी, तब चाय का कप उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी उसका ससुर उस पर बहुत भड़क जाता है, उसको गालियां निकालने लगता है, कहता है कि हमारे घर से निकल जाओ, तुम जैसी बिगड़ी औलाद की हमारे घर को जरूरत नहीं है, तुम कुलक्षणी हो। इस तरह उसे तरह तरह की बातें सुनाता। अब सेठ की पुत्री अपने मन में सोचती है कि यदि मेरे पिता मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते तो मैं तेरा सिर फोड़ देती, लेकिन क्या करूं? इस समय मैं चुप रहने की साधना कर रही हूं। मेरे पिता मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। सेठ की पुत्री से जब भी कोई कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता, बहुत चिड़चिड़ापन होता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ जाती थी कि तुम्हें 6 महीने तक साधना करनी है, चुप रहना है, और मैं 6 महीने तक मंत्र जाप करूंगा। इस बात को सोचकर वह चुप रह जाती, हर समय अपने गुस्से पर काबू कर लेती। इसी तरह से बड़ी मुश्किल से उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और धीरे धीरे उसका घरवार बसने लगा।
उन सबको जजकीन होने लगा कि अब ये सुधर गई है। एक महीने में उसमें सुधार आना शुरू हो गया और दो महीने बाद उसमें काफी सुधार आ गया। कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई उसे लेने आया। भाई ने कहा उससे अपनी बहन को अपने घर ले जाने के लिए इजाजत मांगी तो उसकी बहन की सास बोली कि बेटा कहाँ लेकर जा रहे हो, इस बार तो जब से यहाँ आई है हमारा घर तो स्वर्ग हो गया है, लेकिन अब ये रक्षाबंधन का त्योहार है तो मना नहीं कर सकती, उसके बिना हमारा मन कैसे लगेगा। जब वह जाने लगी तो नंद बोली भाभी जल्दी लौट कर आना। ससुर ने भी कहा बेटा जल्दी आना, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है। वह सबसे इजाजत लेकर अपने मायके में आ गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसके पिता ने पूछा कि बेटी अब ससुराल कैसा है। तब उसने पिताजी से कहा एकदम स्वर्ग है पिताजी। पिता ने हैरान होकर कहा कि पहले तो तुम कहती थी नरक। बेटी बोली कि नहीं पिताजी, अब सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद वह वापस अपने ससुराल चली गई। जाने से पहले उसने अपने पिता से पूछा पिताजी आपने कौन सा मंत्र जपा था। तो पिता ने कहा मैंने कोई मंत्र नहीं जपा, ये सब तेरी ही साधना का परिणाम है। बहुत मुश्किल से उसका घर संसार बसा है। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो जाती है और फिर माँ बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़े आराम से चलने लगती है। कहते हैं कि अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा प्यार करना, लाड करना बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। हाँ, अपनी पुत्री को प्रेम करो, मोहब्बत करो, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखो, लेकिन उसे इतना भी मत बिगाड़ो कि एक दिन आपको भारी पड़ जाए और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। कबूतर इस बात को कबूतरी से कहता है। अब कबूतर अंत में पांच ऐसी बातें बताता है जिनको ध्यान से सुनना चाहिए। फिर कबूतर कबूतरी से कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो। लाड करियाते बेटा बिगड़े, भेद दियाते नारी, खुदगर्जी में बिगड़े भाई, पड़े मुसीबत भारी, रोब दिखाया नौकर। अपनी पुत्री को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। हर माता पिता को ये अच्छी तरह मालूम होता है कि उनकी पुत्री को एक दिन बड़ी होकर दूसरे घर में जाना है। पुत्री की हर गलती को माता पिता बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी नहीं बर्दाश्त करते। इसलिए अपनी पुत्री को लाड प्यार के साथ साथ अच्छे संस्कार दो। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।